हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्लिपकार्ट से एक तो पार्सल आया है, चलिए ओपन करके देखते हैं। मैंने छोटा सा स्टैंड मंगवाया है, बहुत ही प्यारा, 282 रुपीज़ में आया है। इसका प्राइस बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा है। ये कितना हाइट जाता है वो तो मुझे नहीं पता, मैं सोची कितना बड़ा होगा, देखिए इतना छोटू सा बॉक्स में आया है। चलिए ओपन करते हैं इसको। मतलब मुझे स्टैंड रख के वीडियो बनाना, हाथ से पकड़ रहे तो आप बोल रहे हिल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने स्टैंड लिया। अभी तक तो मैंने स्टैंड एक तो रिंग लाइट का लिया था, वो हैदराबाद में रह गया, मगर वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, वो बार बार ऐसा डाउन हो जा रहा था। देखिए फिर ये कैसा रहेगा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा देखने में, सुंदर। देखिए बहुत छोटा सा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है स्टैंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। करेक्ट फेस के साइज़ आ रहा है, छोटा सा ये, ज़्यादा हाइट नहीं जा रहा है। हाँ मतलब हम लोग बैठ के जितना जाते हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा जा रहा है, खड़ा होकर ये नहीं पहुँचेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर। थोड़ा देरी में कितना अच्छा है फूल का कलर, क्यूट कलर है ना ये वाला, कितना मामूली साधारण, कितना कैंसर के लिए कितना अच्छा काम आता है मालूम। हाँ इसमें इतना अच्छा रंग है, देखो ये वाला रंग तो हमने देखे, यही रंग का ज़्यादा रहता है सबसे ज़्यादा, ये रंग एक तो वो रंग लाइट में रहता है। छुआ मत, हाथ मत दो, मार देगा कोई देखेगा तो। सो क्या गाच बोलता है बाबा, बोर्ड जाएंगे माँ। हाँ बोर्ड कहाँ का बोर्ड, सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। रुको हाथ मत दो, दूर इधर है, रुको।
ये देखिए, इससे काजू बादाम निकलता है, इससे, ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है। इसका फल दिखाएंगे अगर गाछ में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है। ये पूरा वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फल। इसका नीचे बीजा होता है, वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का। ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है। ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। देखो किंगन पड़े समय। देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद, काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ये मतलब पहाड़ के ऊपर ज़मीन है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आम, और ये गर्मी की वजह से आम और ये ही होता है, मतलब काजू बादाम, और कुछ भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा उगता है। ये देखिए ये गाछ है, इससे फर्नीचर बनता है। लंबा गाछ दिख रहा है ना, ये गाछ से फर्नीचर बनता है। और ये है ताल गाछ।
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ईट करने जा रही हूँ रेड कलर का स्टार शेप। मैंने 10 मिनट्स वेट किया है। वेट करने के बाद अभी ईट करने जा रहा हूँ। रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वेट करने से, मतलब ड्राई उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है मुझे तो। वेट करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ब्लैक और वाइट वो दोनों ना, मतलब ड्राई मुझे पसंद है, मगर रेड मगर वेट अच्छा लगता है। ये ड्राई में मतलब हार्ड भी होता है और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो दोनों के मुताबिक ये हार्ड भी होता है, प्लस उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होता है। इसको वेट करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने 10 मिनट्स वेट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही टेस्टी था। रेड का टेस्ट मुझे जो घर बनाते हैं रेड कलर का ईंटे होते हैं ना वैसा लगता है, उसका टेस्ट ऐसा आता है। बाकी मुझे तो पसंद है वाइट और ब्लैक, रेड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। मगर वेट करने से ना रेड का उतना स्मेल ब्लैक और वाइट में नहीं आता है। बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది రెడ్ రెడ్ వెట్ చేసాను కాబట్టి బాగుంది, లేకపోతే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది రెడ్. నాకు వైట్ బ్లాక్ రెడ్ కన్నా మూడిట్లో వైట్ బ్లాక్ అంటే ఇష్టం, రెడ్ అంతగా నచ్చదు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే టేస్ట్ ఇల్లు కడతాం కదా ఇటుకలు ఉంటాయి రెడ్ కలర్ ఇటుకలు, అలా ఉంటుంది టేస్ట్ రెడ్ కలర్ది. వెట్ చేస్తే బాగుంటుంది, ట్రైలో అంత టేస్ట్ రాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. Yeah.